चीन और पाकिस्तान को भी करारा जवाब है। इंडिया और ईरान के दरमियान चाबहार जो है, चाबहार के ऊपर 10 साल एग्रीमेंट हुआ है। चाबहार पोर्ट पर भारत ईरान की डील से अमेरिका को मिर्ची लगी है। प्रतिबंधों की चेतावनी अमेरिका ने दे दी है। Anyone considering business deals with Iran, they need to be aware of the potential risk that they are opening themselves up to and the potential risk of sanctions. वहां पे अमेरिका को कोई खुजली और अमेरिका ने बोला साहब ये आप नहीं कर सकते। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वार्निंग दी है। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर? हमें तो बड़ा डांटते हैं जी, अगर हम उनको बोले कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। भारत का नाम नहीं लिया वार्निंग में, बोला एनीवन, कोई भी हो जो वायलेट करेगा ये सैंक्शंस जो ईरान के ऊपर लगे हुए हैं वो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इंडिया ने कहा था कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम आपकी अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, हम देखेंगे कि इंडियन अवाम का नेशनल इंटरेस्ट क्या। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज वोलेटाइल एट बेस्ट एंड बुलिंग एट वर्स्ट। सो यू आर अक्यूजिंग मी ऑफ बुलिंग यूएस? Actually, they have adjusted a lot. They accept in many ways. ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 ईयर डील कितनी सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर अमेरिका को परेशानी है और अमेरिका ने इस बारे में सैंक्शंस लगाने के हवाले से क्या कहा है? इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 साल डील में क्या क्या होगा और क्या पाकिस्तान को बाईपास किया गया, जरा इसके ऊपर बात की लेते हैं। देखिए, अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी विजिट करके गए हैं पाकिस्तान का, तो अभी कुछ दिन के अंदर ही अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और ईरान ने 10 साल डील कर ली है और इस 10 साल डील में अब ईरान की चाबहार पोर्ट का तमाम कंट्रोल इंडिया के पास चला गया है। भारत ने जो ये डील की है अमेरिका को ये पसंद नहीं आ रहा है, उसने भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। भारत ने सोमवार को ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को लेकर बड़ी डील की है, दोनों देशों के बीच 10 साल के लिए। इस डील के तहत भारत ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित इस बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल का विकास और फिर संचालन करेगा और भारत के लिहाज से ये सौदा काफी अहम है, फायदेमंद है। इसे पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित ग्वादर पोर्ट की कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। अब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर इंडिया के पास है। ऐसा नहीं है कि चाबहार पोर्ट पर इंडिया ने पहली बार कंट्रोल हासिल किया हो, नहीं, इससे पहले भी इंडिया का कंट्रोल चाबहार पोर्ट पर रहा। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया ने यह पहली पोर्ट हासिल की हो, क्योंकि मैं देख रही थी कि कई लोग इस तरह की बात कर रहे थे, बल्कि काफी बड़े बड़े ऐसे लोग के जो समझते हैं कि उनको बहुत कुछ मालूम है, जैसे कि मैंने जब ये देखा ट्विटर पे आदिल राजा ने ये पोस्ट किया था कि जो इंडिया है उसने ईरान की पहली, इंडिया ने पहली पोर्ट जो है वो हासिल कर ली है और चाबहार पोर्ट पर अब उसका हो गया। मैंने लिखा कि ये पहली पोर्ट नहीं, इंडिया तो कई एक पोर्ट्स अब तक हासिल कर चुका है दुनिया में और इसके ऊपर हम प्रोग्राम भी कर चुके हैं अगर आपको याद हो, जिसमें हाइफा पोर्ट भी है इसराइल की, जिसमें ओमान की पोर्ट भी है, जिसमें म्यांमार की सितवे पोर्ट भी है और चाबहार पोर्ट भी है। तो चाबहार पोर्ट पहले भी इंडिया के पास रही लेकिन फर्क यह है कि इंडिया के पास पहले 10 इयर्स के लिए नहीं थी, वो साल साल का एग्रीमेंट हुआ करता था। अब साल का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर यही वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपको दोबारा से डील करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेगा एग्रीमेंट, तो करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे क्या होगा। तो उस पे मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने इस हवाले से जो गुफ्तगु फरमाई है उनका भी यही कहना था। आप जरा उनका एक दो सेंटेंस सुन लें कि उन्होंने ये क्या कहा है कि अब क्यों फर्क है और पहले भी उनके पास थी लेकिन आखिर
क्या उनको क्यों 10 साल का मुआयदा करना पड़ा। लेकिन सवाल तो यह है कि वो क्या कहते हैं कि लगाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल, यानी कि ईरान के प्रेसिडेंट अभी तो पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद वो उन्होंने वापस जाते ही जो डील है वो इंडिया से कर ली, तो पाकिस्तान को बाईपास किया गया। पाकिस्तान को बाईपास करके ये किया है, देखिए बाईपास तो करने की छोड़ ही दीजिए, इसकी वजह यह है कि कोई पूछेगा ही क्यों। आप लोग जो है वो चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, ईरान उसमें जाहिर है कि शामिल है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी 10 साल के लिए जो है वो कंट्रोल भारत को दे दिया गया है। आप लोगों को अमेरिका डांटता क्यों नहीं है सर, हमें तो बड़ा डांटते हैं जी, अगर हम उनको बोलें कि जी हमने जो है वो गैस पाइपलाइन बनानी है, हमारे तो गले पड़ जाते हैं वो आके और मना करना शुरू कर देते हैं। आप लोग ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं कि आपको कुछ नहीं कहा जाता? देखिए बात ना यहाँ पे कोई अमल करने की या मंत्र पढ़ने की या कोई हवन करने की नहीं है। इट इज प्योर एंड सिंपल दैट इंडिया एक ज्यादा पावरफुल, ज्यादा इम्पोर्टेंट और एक ज्यादा ताकतवर देश है। भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है, चाहे वो डिफेंस में हो, फाइनेंस में हो, डिप्लोमेसी में हो या R&D में, टेक्नोलॉजी में हो, आपको बहसीत पाकिस्तानी इस बात की हैरत होगी कि भारत ने अगले साल से वेपन्स इंपोर्ट के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है, हम रिस्ट्रिक्शन से मुराद ये है कि वॉलंटरली वी आर नाउ सेल्फ सफिशिएंट, खुद मुख्तार या आत्मनिर्भर कह लीजिए, भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है। और वो सब जो देन है वो एक आदमी की सोच में, जिसने इस देश को, इस मुल्क को, इस मुल्क के भविष्य को, या उर्दू में कह ले तो मुस्तकबिल को बदल दिया है। और जो एक बेसिक डिफरेंस जो आपने पूछा, आप ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं, तो उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी और उसको शॉर्ट में लोग नमो बोल देते हैं। उस मंत्र का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की तकदीर को, भारत के भविष्य को, मुस्तकबिल को आज से 10 साल पहले बहैसियत हिंदुस्तानी एक भारतीय के नाते, जहां हम ये महसूस करते थे कि इंडिया इज होपलेस और ये इंडिया यहाँ पे ऐसे ही होगा, ये इंडिया यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता यार, ये लोग नहीं सुधरेंगे, ये तब्दीली नहीं आ सकती, या आम एक वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया था यार, ये कौन सा कोई मसला है कश्मीर है जिसका हल नहीं होगा। तो ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ देश की इबारत बदली, देश का भविष्य बदला, ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज की है, इंडिया की आज एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, एक इंडिपेंडेंट हमारी डिप्लोमेटिक अप्रोच है, जिसमें हम बैलेंस करते हैं रशिया और US के बीच में, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस को, चाहे वो जापान के साथ हो, चाहे वो यूरोप के साथ हो, चाहे फ्रांस के साथ हो,